फरीदाबाद से एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ धीरज नगर में एक पति ने 7 जन्मों तक साथ देने का वादा करने वाली जीवन संगनी के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया। पति ने नशे की हालत में पत्नी से पैसे मांगे, इस पर दोनों के बीच विवाद होने लगा। महिला ने जब पैसे देने से साफ इनकार कर दिया तो आरोपी ने महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की। यही नहीं, प्लास से पत्नी के पैरों के नाखून तक उखाड़ दिए। महिला को इलाज के लिए बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऐसे नगर निवासी बिमला देवी ने बताया, 13 साल पहले उन्होंने बेटी पूजा की शादी धीरज नगर निवासी राजेश के साथ की थी। आरोप है कि राजेश व उसके परिवार ने 2 साल के बाद ही दहेज को लेकर ताने देना व मारना पीटना शुरू कर दिया। इस पर पूजा ने कई बार मायके से पैसे लाकर भी दिए, लेकिन परिवार वाले शांत नहीं हुए। शनिवार की रात को राजेश नशे की हालत में घर पहुंचा और पूजा से पैसे मांगने लगा, जिस पर पूजा ने अपने मायके से पैसे लाने से मना कर दिया। इस पर राजेश भड़क गया और गुस्से में पूजा के साथ मारपीट करते हुए प्लास से उसके पैरों के नाखून खींच दिए। दर्द में पूजा की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। सूचना पाकर पूजा की मां बिमला परिवार सहित धीरज नगर पहुंची, जिसके बाद पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि पीड़िता की तरफ से शिकायत मिल गई है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही पूरे मामले की जाँच के बाद केस दर्ज कर लिया जाएगा। खुद ही सुनिए बेटी के साथ घटित हुई इस दरिंदगी पर क्या कहा पीड़ित परिजनों ने। नमस्कार फरीदाबाद, हम लोग फिलहाल पहुंचे हैं बादशाह खान अस्पताल और यहाँ ये जो महिला इस स्ट्रेचर पर लेटी हैं, क्या नाम है इनका? पूजा। कितनी उम्र है पूजा की? 26 साल। 26 साल की उम्र है और ये नखूनों के हालात देख सकते हैं आप इनके। क्या हुआ है नखून में पैर के? घर वाले ने प्लास से खींचे थे इसके नखून। पूरा परिवार देवर है दो। कितने पहले शादी हुई है इनकी? नहीं, सर, दो बच्चे हैं इसमें। दो बच्चे हैं। अच्छा, कितने बड़े बड़े? एक लड़की। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं ये पूजा है। कहाँ है? 1,50,000 रुपए तो दे चुकी, खर्चा पानी को। कभी 10,000 ले जा रही, कभी 5,000 ले जा रही, राशन खत्म हो जाता। ये कहाँ तक पूरी करेगी? ये पूर्ति कहाँ तक करेंगे? और ये मैम, रात को इन्हें देखा नहीं, यहाँ पे किसी ने अटेंड नहीं किया? रात को भी आए थे ये लोग, ये बोल रही हैं रात को आए थे, रात को किसी ने अटेंड नहीं किया बीके अस्पताल में इन्हें? रात को आए थे, रात को किसी ने नहीं हमारी सुनी थी। यहाँ तक थाने में भी हम गए थे, किसी ने नहीं सुनी हमारी। हम ले गए खून, अभी मुंह से बोल बोल जब जाके थोड़ी सी रुई लगाई इसको, डॉक्टर हाथ लगाने को राजी नहीं थे बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये पूजा है। कौन से गांव में शादी हुई? हाँ, इमादपुर है, पुराना खेड़ा नहर पार। अच्छा, इमादपुर में। हाँ जी, गुजर 18 साल की भी पूरी नहीं हुई जब मैंने इसकी शादी करी। 13वीं साल चल रही है शादी को इसके। गरीब लोग हैं, करेंगे नहीं, इसलिए इनके साथ इस प्रकार का ये व्यवहार किया है। ये इसी नगर में, हमारे ही पड़ोस में रहती है। अभी जल्दी में ही विवाह हुआ था। तो गौतम जी, क्या कारण है, वजह क्या है? कारणों के पीछे अभी हम जाएंगे, आज ही का हमें पता लगा है। और बहुत जल्दी अब हम थाने भी जा रहे हैं, FIR भी कराएंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कारणों का के अंतर किसी ना जिस प्रकार की कई बार मानसिकता भी होती है, लेकिन मुख्य कारण क्या है अभी वो हमारे सामने नहीं आए हैं। दूसरे पक्ष के जो पुलिस आएगी, जांच का विषय है। पर जो भी हुआ है ये गलत हुआ है। अगर बच्चे की गलती थी तो माँ बाप को बुला के बात कर सकते थे, समझौते की कोई बात आती। अगर मान लीजिए इसकी गलती है, और जहाँ शादी हुई वो कोई जैसा बता रहे हैं वो। और आप ये समझें कि पूजा की हालत फिलहाल आप देख सकते हैं, हाथ पर चोट है, पाँव के नाखून पर चोट है, और जैसा ये बता रहे हैं प्लास से नाखून खींचा है। पहले तो रोडों से, ये सरियाओं से इसके बिल्कुल मारे, हाथ पैर तोड़े। ये सारा देखो, ये पहले इनको मारा, फिर ये गला पकड़ा यहाँ पे, ये देखो इसे। फिर तीनों भाई हैं वो, ब्रजेश, राजेश और परवीन।
फिर कुछ ना मिला तो कहला तुझे ऐसे बता हाथ में पकड़ के प्लास के तो एकदम जे गिर गई है बेहोश हो गई है। अब सोचा कि ये मर गई है तो इतने में छोड़ छोड़ के भाग गए सारे।